महत्व बताइए, भारत में प्रबंध की आवश्यकता बताइए। यह क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा प्रबंध का महत्व लिखिए, कोई चार बिंदु, कोई चार बिंदु। बहुत अच्छे समझेंगे सभी विद्यार्थी। पहला पॉइंट है संसाधनों का उचित उपयोग, बहुत अच्छे समझना, ठीक है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार पाई जाती है। आज भी भारत की भूमि के गर्भ में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक साधन क्या है, मौजूद है। अर्थात पर्याप्त मात्रा में औद्योगिकरण करने के लिए भारत के पास कच्ची सामग्री है। पर्याप्त मात्रा में तेल, तिलहन, जूट, कपास, जस्ता, तांबा, लोहा, कोयला इत्यादि मात्रा में भारत की जमीन के गर्भ में छुपा हुआ है। परंतु आज नितांत आवश्यकता है एक कुशल प्रबंध की, ताकि हम कुशल प्रबंध के माध्यम से इन प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन कर सके, अर्थात उचित उपयोग कर सके। आज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण करने के लिए क्या है, कच्ची सामग्री। आज हम चाहे तो कई प्रकार की इंडस्ट्री हमारे भारत में खोल सकते हैं। आज हम बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। वजह यही है कि हमारे पास कुशल प्रबंध नहीं है। हमारे पास आज आ सकता है एफिशिएंटी मैनेजमेंट की, ताकि इन प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन किया जाए और इनसे नवीन किस्म के उद्योग स्थापित किए जाए। जब उद्योग स्थापित हो जाएंगे और वस्तु हमारे देश में ही बनने लगेगी, तो हमें विदेशों पर आश्रित होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज किसकी जरूरत है, एक कुशल प्रबंध की। अगर हमें कुशल प्रबंध मिल गया, इफिशिएंटी मैनेजमेंट मिल गया, तो हम दल से इन प्राकृतिक संसाधनों का औद्योगिकरण कर देंगे और भारत में एक सी एक बड़ी से बड़ी कंपनी क्या कर देंगे, स्थापित। तो हमें जरूरत किसकी है, इफिशिएंटी मैनेजमेंट की, कुशल प्रबंध की। तो क्या लिखोगे, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहां प्राकृतिक संपदा का भंडार पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में लोहा, तांबा, तेल, तिलहन इत्यादि कच्ची सामग्री पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत देश में पर्याप्त मात्रा में औद्योगिकरण करने हेतु कच्ची सामग्री उपलब्ध है, परंतु इन कच्ची सामग्री का उपयोग करने के लिए भारत देश में एक कुशल प्रबंध नहीं है। तो भारत देश में एक कुशल प्रबंध की आवश्यकता है, ताकि इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके। दो प्रकार के साधन हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, एक तो मानवीय संसाधन और दूसरा प्राकृतिक संसाधन, और इन दोनों संसाधन का उचित उपयोग करने के लिए एक कुशल प्रबंध की परम आवश्यकता होती है। इसीलिए आज जरूरत है, आवश्यकता है एक कुशल प्रबंध की, ताकि इन प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग हो सके। तो कैसे लिखेंगे आप, संसाधनों का उचित उपयोग। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जहां, अर्थात जिस देश में प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों की भरमारता पाई जाती है। इन संसाधनों के उचित उपयोग के लिए आज कुशल प्रबंध की क्या है, अत्यंत आवश्यकता है, ताकि इन संसाधनों का उचित विदोहन किया जा सके। इज दैट क्लियर, समझ में आएगी। तो इस पॉइंट को कैसे लिख दोगे आप, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, इस देश में पर्याप्त मात्रा में मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। इन संसाधनों के उचित उपयोग के लिए एक कुशल प्रबंध की परम आवश्यकता होती है। लिख पाओगे कि नहीं, ये इसका एक हो गया क्या, महत्व। अब दूसरा चलते हैं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इसमें वही लाइन फिर से रिपीट करना है, भारत देश में पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की पर्याप्तता पाई जाती है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन के बेशुमार भंडार भारत देश में उपलब्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुशल प्रबंध के माध्यम से इन संसाधनों का उचित उपयोग करके देश में नवीन किस्म के उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिलेगा और भारत देश में बेरोजगारी कम होगी। तो क्या लिखोगे, आज भारत देश में बेशुमार तरीके से बेशुमार मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए आज आवश्यकता है एक कुशल प्रबंध की, ताकि कुशल प्रबंध के माध्यम से इन प्राकृतिक संसाधनों से नवीन किस्म
के उद्योग स्थापित किए जाए जिससे पर्याप्त मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और जिससे भारत देश की बेरोजगारी तो प्रबंध की सहायता से एक कुशल प्रबंध की सहायता से हम रोजगार के साधनों में वृद्धि कर सकते हैं बशर्त प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए और भारत देश में नवीन उद्योग स्थापित करते क्लियर समझ में आया। अगला देखते हैं अपन प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो चहुंगर गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है। बाजार के विस्तार के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी व्यापक हो गया है। आज वर्तमान परिवेश में बड़ी और सुदृढ़ इकाइयां यानी उद्योग उपक्रम फार्म इंडस्ट्री व्यवसाय आज वर्तमान परिवेश में बड़ी और सुदृढ़ इकाइयां बाजार में छोटी और कमजोर इकाइयों को टिकने नहीं दे रही है। ये छोटी और कमजोर इकाइयों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि ये बाजार में कैसे टिके और बाजार में अपने उत्पादों को कैसे विक्रय करें। ये छोटी इकाइयों और कमजोर इकाइयों को आज आवश्यकता है कुशल प्रबंध की ताकि वह कुशल प्रबंध के माध्यम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं को बनाए और उस वस्तुओं को बाजार में उपभोक्ता तक पहुंचाए। यह संभव है केवल एक कुशल प्रबंध के माध्यम से ही। एक कुशल प्रबंध के माध्यम आपने देखे होंगे कई कंपनियां जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं और जिनके नाम चल रहे हैं आज हर कोई बेस्ट से बेस्ट लेना चाह रहा है। और आप तो मालूम होगा कि आज वर्तमान परिवेश में देखें तो मिलावटी युग आ गया है। कौन सा युग कौन सी वस्तु कहाँ मिलावट की जा रही है तो आपको भी नहीं मालूम। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो छोटी कंपनियां जो छोटे उद्योग हैं जो निचले स्तर से अपना व्यवसाय जिन्होंने प्रारंभ किए हैं और वो टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे जैसे मैं जीतता जागता उदाहरण दूंगा पतंजलि इंडस्ट्री। 10 साल पहले पतंजलि का उतना रोल कार और उतना टर्नओवर नहीं था जितना आज है। आज पूरे विश्व की और पूरे भारत की नंबर वन कंपनी बन चुकी है। कौन? पतंजलि स्वदेशी अपना सेट क्लियर। तो पतंजलि आज हर घर में उसका प्रोडक्ट मिलेगा और एक नहीं कम से कम दो दो और चार चार। पहले कंपनी 2-3 प्रोडक्ट बनाती थी अब तो लाखों प्रोडक्ट बना रही है। तो वो कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने में बहुत क्या लगा? टाइम लगा। तो उसने क्या करी? कम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु का निर्माण करी और मार्केट में लाई और लोगों का विश्वास जीती और अपनी मार्केटिंग में छवि बना ली। आज हर घर में आपको पतंजलि के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे इससे क्या लिखेंगे? प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु प्रतिस्पर्धा ने कॉम्पिटिशन। अगर आज मैं कोई दुकान खोल रहा हूँ ना 2 दिन बाद मेरे सामने वही दुकान खुल जाएगी। आप मार्केट में देख सकते हैं ना एक ही दुकान कितनी सारी दुकान रहती है एक ही जैसी प्रतिस्पर्धा ही। और यहाँ पे वही बंदा टिक सकता है वही कंपनी टिक सकती है जो कम से कम लागत पर सिर्फ किसी वस्तु का निर्माण करे। केवल वही टिक सकती है बाकी नहीं टिक सकती। तो इसमें क्या लिखेंगे? आज वर्तमान परिवेश में बाजार के विस्तार के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी व्यापक हो गया है अर्थात प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र भी बढ़ गया है। आज वर्तमान परिवेश में छोटी और कमजोर इकाइयां बाजार में नहीं टिक पा रही है क्योंकि बड़ी और सुदृढ़ इकाइयां उन्हें बाजार में टिकने नहीं दे रही। तो ऐसी कमजोर इकाइयां बाजार में टिक सकती है कम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु का उत्पादन करके बाजार एक कुशल प्रबंध के माध्यम से। आज नितांत आवश्यकता है एक कुशल प्रबंध की ताकि कमजोर और छोटी इकाइयां क्या कर सके? प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। क्लियर? तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? कम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु बनाओ अच्छी वस्तु बनाओ। और ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास इफिशिएंटली मैनेजमेंट होगा जब तुम्हारे पास कुशल प्रबंध होगा तभी तुम ऐसा कर पाओगे अन्यथा नहीं। क्लियर? नंबर 4 राष्ट्र निर्यात में वृद्धि। आज भारत देश बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात करता है और बहुत कम ही मात्रा में वो निर्यात करता है जिससे हमारे भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में भुगतान करने में विदेश चली जाती है जिससे हमारे यहाँ एक संकट पैदा होता है जिसको कहते हैं भुगतान असंतुलन।
जिसमें हमारे भारत देश की मुद्रा विदेश चली जाती है, फलस्वरूप भुगतान संतुलन और भुगतान संतुलन जो है वो असंतुलन में बदल जाता है, रोकड़ कम हो जाती है, मुद्रा कम हो जाती है हमारे भारत देश से। तो ऐसा ना हो और वास्तव में हमारे भारत देश के निर्यात बढ़े, तो इसके लिए एक कुशल प्रबंध की सहायता चाहिए। एक कुशल प्रबंध के माध्यम से अच्छी और श्रेष्ठ किस्म की वस्तु बनाए और अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में वस्तुओं का निर्यात किया जाए। इससे निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और हमारे देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होते चली। तो क्या करना चाहिए निर्यात में वृद्धि करने के लिए? भारत देश के पास अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, उनका उचित विनियोग करना चाहिए, उनसे मोर देन प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाने चाहिए कम से कम लागत पर, और उसे अधिक मात्रा में क्या करना चाहिए? विदेशों में निर्यात करना चाहिए। अतः हम कम से कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु बनाकर विदेशों में माल निर्यात कर सकते हैं या वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, बशर्ते कुशल प्रबंध के। अगला पॉइंट बचता है आपका राष्ट्रीय आय वृद्धि, आप कैसे लिख लेंगे? भारत एक प्राकृतिक संसाधन से भरा पड़ा देश है, प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग करके उद्योग स्थापित करो, उद्योग स्थापित होगा तो रोजगार स्थापित होगा, रोजगार स्थापित होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी, और बेरोजगारी दूर होगी तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों की राष्ट्रीय आय स्वतः ही बढ़ जाएगी, देश की राष्ट्रीय आय स्वतः ही बढ़ जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाए। तो राष्ट्रीय आय में तुम बढ़ोतरी कर सकते हो, किससे? एक कुशल प्रबंध के माध्यम से। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना, याद हो जाएगा।